आज का शेड्यूल थोड़ा बिजी है और दो तीन काम जो थे वो पेंडिंग पड़े हुए थे वो मैं करवाने जा रहा हूँ। पहले तो एक मेरी गाड़ी जो है वो उसका थोड़ा सा जो डिक्की का इशू चल रहा है वो क्या कि डिक्की का जो लॉक है वो बंद नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा जाके आज गाड़ी दिखा लेता हूँ। इवन कि टाटा सर्विस से भी मेरे को कॉल आया था कि सर एक बार आप जाके अपना जनरल जो चेकअप है वो करवा लीजिए। मैंने कहा दोनों काम हो जाएंगे, तो ये काम ख़त्म करने के बाद में हम लोग जाएंगे हार्ले जहाँ पर मैंने अपना बाइक दिया हुआ है ठीक करने के लिए। तो फाइनली हम लोग अपने सर्विस स्टेशन पे पहुंच चुके हुए हैं जहाँ से हम लोगों ने गाड़ी सर्विस करानी है, दादा मोटर्स है। और यूजुअली मैं यहीं पर आता हूँ, गाड़ी मैंने यहीं से परचेज़ की है, मेरी तीनों की तीनों टाटा गाड़ी है, मैंने यहीं से परचेज़ की थी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इन लोगों का मेरे साथ में। और अभी किलोमीटर है 15441, 15441। जस्ट छोटी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हो रही हैं, उसके बाद में इसको अंदर ले जाएंगे गाड़ी को और सर्विस कराने के बाद में आगे फर्दर अपडेट करते हैं। 93 565 00 1। तो गाड़ी हम लोगों ने अभी दे दी है सर्विस के लिए, उसके बाद में हम सीधा रश किए हैं हार्ले शोरूम पे और अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है, अपनी बाइक का दर्शन करेंगे नीचे जाके। अभी फ़िलहाल आप ये देखो ये बाइक्स जो पड़ी हुई हैं काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। एग्जैक्टली ये कंडीशन अपनी बाइक की इस टाइम पे, और मैंने चंद्र से अपडेट लिया है तो ये आई थिंक मुझे ये मार्च के अंदर ये बाइक दोबारा एक बार ही मिलेगी। तो पोजीशन क्या थी जब ये गिरा, तो इसके नीचे देखो आप ये देख पा रहे हो ना ये वाला, यहाँ से स्क्रैच डाउन हुआ और साथ में ये जो ब्रेक है ये बिल्कुल फ्री हो गई, ब्रेक यहाँ से टूट गई। और दो तीन चीज़ें हैं जो इसकी पढ़ने वाली हैं, एक तो ये चंदन ने मेरे को सपोर्ट किया इसके लिए ताकि इसका ये जो ये वाला रॉड है ये चेंज हो जाए हा? और इसके अलावा इसकी दो तीन चीज़ें हैं जैसे कि एक ये पार्ट चेंज होगा, एक ये पार्ट चेंज होगा, एक ब्रेक चेंज होगी, उसके बाद में इसका सस्पेंशन का ऑर्डर किया हुआ है, ये वाला पार्ट भी चेंज होने वाला है। तो अभी हालत बहुत देखी नहीं जा रही इसकी मेरे को, मेरे से तो कोई बात नहीं, अपना घोड़ा है ठीक कराएंगे इसको प्रॉपर। और क्या लग रहा है तेरे को यहाँ पर बैठे हुए, क्या फील कर रहा है? तो मजेदार है, मैंने ये ले लिया ना, घर वाले बोलेंगे इसको रखना याद हो जाए। तो तेरे को जरूरत क्या घर पे फिर आने की जब तक ये मिलेगा सड़के पे रही है, सड़कों पे ये आई सड़कों वाला बाइक स्टेशन पे ना, स्टेशन पे वो ये रविंदर जी मेरे साथ मस्ती लेते हैं। और ये देव की बाइक चंद्र भाई साहब लगे हैं अपना पूरा जोर लगाने के लिए। हाँ जी चंद्र भाई साहब पूरा जोर लग रहे हैं, ये देव की बैटरी जो खराब हुई है ये वाली, और ये भी इसने नहीं डाली है इसके अंदर। और चंदन ने बोला कि ये भी मेरे को मार्च में देगा बाइक एंड के अंदर। बाइक है जो पीछे से ऊपर आ रही है सर्विसिंग के बाद में। तो एग्जैक्टली क्या है कि जब भी कोई गाड़ी शोरूम के अंदर आती है सर्विस के लिए तो शोरूम में फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर से नीचे इसी लिफ्ट से लेके जाते हैं इसको। और अभी फ़िलहाल ये किसी की बाइक है जो ऊपर आई है अभी यहाँ पर, उसके बाद में हम लोग करेंगे फंक्शन को अटेंड करना है, तो जलंधर जाना है, तो सिर्फ आधे घंटे का टाइम है हमारे पास मूव करने के लिए।
दिल्ली के मशहूर हाय वैभव मतलब कि सुन सुन के बोल रहे सुन सुन खुल के बोलो नहीं अब क्या बोले फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कैमरे के आने के बाद सभी की पड़ जाती है नहीं पार्टी तो इन द सेंस नहीं है बट समझ नहीं आता ना कि क्या बोले एकदम से आने के बाद में तो एक फैमिली फंक्शन है जिसमें हम लोग गैदर किए हुए हैं और वैभव दिल्ली से है और मैं डिटेल्स वगैरह भी डाल दूंगा बेसिकली क्या काम करते हैं और हमारी शो सॉफ्टवेयर का काम करता है तो आगे आने वाले जो मेरे सॉफ्टवेयर के चीज़ें हैं वो सारा ये मेंटेन करने वाला है हिमांशु आप देखो आप हिमांशु सपोर्ट करेगा सॉफ्टवेयर के लिए हिमांशु सपोर्ट करेगा हार्डवेयर हाँ उसके लिए वो सपोर्ट करेगा अगर किसी ने काम करवाना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है हिमांशु कार बहुत अच्छा है हिमांशु तेरे कार बहुत अच्छा है ना ये मेरा काम है ये हमारी डिजाइनर आप डिजाइनर बंदे हमारे लाइन के बंदे सारे हमारे पड़े हुए हैं फोटो भेज दे तेरी बहन दिमाग आई मैं उन्हें खींच के भेजी कल से आपने फोटो नहीं भेजी फोटो भेजेंगे आपको अभी सारी फोटो आएंगे और भी शादी कर ले शादी कराया बाहर ठंड का मौसम भी है और हालात बुरे हुए हैं चलो गाड़ी स्टार्ट कर दी है अब लगा देंगे हीटर चलो जी बाहर जी तो फाइनली अब लोग वापस आ रहे हैं लुधियाना और फंक्शन अटेंड कर लिया हम लोगों ने बेसिकली वाइफ की कज़न सिस्टर की शादी थी आज और अच्छा रहा तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपको एक नए अच्छे से व्लॉग में और जिसने अभी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सपोर्ट कीजिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चलो आज के लिए इतना ही फिर मिलता हूँ आपको नए ब्लॉग में थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू लव यू ऑल